Hello guys, welcome back to my channel. Today we are talking about plum-headed parrot. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो जैसे कि आपको पता है plum-headed parrot बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, खास करके फीमेल। तो मेरे पास भी एक फीमेल है जिसका नाम कीवी है। तो plum-headed parrot को आप हैंड टैम करना या उन्हें टच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो शुरू में मेरा कीवी भी ऐसे ही करता था, वो हमें टच करने नहीं देता था। और अगर हम उसको कुछ खाना भी खिला रहे तो वो बिल्कुल नहीं टच करने देता था, वो एकदम से बाइट करने लग जाता था। इसने मुझे इतनी बार बाइट किया है कि कई बार तो मेरे हाथ से ब्लड भी निकल चुका है। फिर धीरे धीरे इसको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी चीज़ करनी पड़ी है, काफ़ी न्यू चीज़ें मेरे को इस पर ट्राई करनी पड़ी है। तो पहले मैं इसको क्या करती थी, जब भी मैंने इसको खाना देना है तो वो मैं इसको हाथ से खिलाने की कोशिश करती थी। तो पहले इसको थोड़ा सा डर लगता था कि कोई है। तो आप अगर आप चाहते कि अपने plum-headed parrot को आप भी हाथ लगा सके तो आप एक ही हाथ रखिए, यानी कि आपके फैमिली के सारे मेम्बर उसको टच करें तो उसको शुरू में डर लगेगा और बहुत और ज़्यादा एग्रेसिव भी होने लगेगा। आप इसको बस एक ही हाथ रखिए जो एक जना ही इसको शुरू में टच कर पाए, फिर इसको कंफर्टेबल फील होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको एक एप्पल खिला रही हूँ और ये बड़े ही अच्छे तरीके से ये एप्पल खा रहा है। तो ये करने के लिए मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी है, ये बहुत ईजी नहीं था कि इसको दिखाया और इसने खा लिया, ऐसा नहीं था। इसको मेरे को ये वीडियो बनाई तो अब इतने महीनों के बाद अगर मैं ये खा रहा है कंफर्टेबली मेरे हाथ से तो काफ़ी मेहनत भी लगी है, क्योंकि इसकी बहुत केयर करनी पड़ती है। plum-headed parrot वैसे बहुत प्यार होते हैं और ये बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाते। ये जितनी भी आपकी चीज़ें होती है ये इनको नहीं खाएंगे, जैसे कि alexander parrot होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, या प्लास्टिक की चीज़ें खा लेते हैं या कोई लकड़ी की चीज़ होगी वो उनको भी खा जाएंगे। लेकिन जो ये plum-headed parrot होते हैं ये किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं करते हैं, इनको सिर्फ अपने खाने से मतलब होता है। और ये अपने केज में रहते हैं उसको भी वो बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने ये सब ट्रेनिंग इसके साथ शुरू की, फिर उसके बाद इसको मेरा हाथ धीरे धीरे फील होने लगा। अब ये मेरे हाथ से बहुत अच्छे तरीके से खा लेता है, ये मेरे हाथ में भी आ जाता है, हैंड टैम भी कर लेता है। बस ये है कि अगर मैं इसको अपनी गोद वगैरह में रखूँ तो वो चीज़ करने में अभी इसको थोड़ा सा है प्रॉब्लम, अभी मुझे इसको और ज़्यादा ट्रेनिंग देनी है। तो अभी तो मैंने यही एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि जिसमें ये मेरे साथ कंफर्टेबली खा रहा है, ये इसको बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल भी बाइट नहीं कर रहा है। अभी धीरे धीरे मैं और वीडियोस अपलोड करूँगी जिसमें ये मेरे साथ किस तरह से फ्रेंडली हो रहा है। एक्चुअली बात ये थी कि मैंने plum-headed parrot कुछ ज़्यादा 3 मंथ का ही ले लिया था, इसलिए ये बाइट करता है। तो मैक्सिमम कुछ लोग ज़्यादा बड़ा पैरट ले लेते तो उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है, वो शुरू में आपको एकदम से हाथ लगाना नहीं देते, और ख़ास करके ये plum-headed फीमेल। तो अगर कईयों के plum-headed parrot आपने YouTube में देखा होगा कि वो एकदम से हाथ लगाए तो उन्होंने वो बहुत ज़्यादा बेबी पैरट ही लिया होगा, जो हाथ से ही खाना खाता होगा, वो खुद खाना नहीं खाता होगा, इसलिए उनके plum-headed parrot खा लेते। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए।